नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। नाथूराम गोडसे के बारे में क्या कहते थे सरदार पटेल? इन दिनों देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की चर्चा जोरों पर है। कई जगह गोडसे की प्रतिमा स्थापित की जा रही है तो कई जगह गोडसे का स्मारक बनाया जा रहा है। भाजपा की भोपाल लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि नाथूराम गोडसे महापुरुष थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आप यह भी जानते होंगे कि गोडसे को हीरो मानने वाले लोग एक खास विचारधारा और दल का समर्थन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गोडसे को महान बताने वाले देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को भी देश का सबसे महान नेता बताते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नाथूराम गोडसे के बारे में क्या कहते थे। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हुए थे। 2 फरवरी 1948 को बापू की याद में शोक सभा हो रही थी। पंडित नेहरू के बाद संबोधन की बारी थी सरदार पटेल की। सरदार पटेल ने रोते हुए सभा में कहा कि नाथूराम गोडसे कायर और पागल इंसान, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे ऐसे ही पागलों का झुंड है। अब इन लोगों को मैं पागल कहूं या शैतान कहूं समझ नहीं आता, ये इनकी कायरता ही है कि इन लोगों ने एक बूढ़े महात्मा को गोलियों से छलनी कर दिया है। इन्होंने सिर्फ एक इंसान को गोली नहीं मारी बल्कि हिंदुस्तान के मर्म स्थल पर हमला कर दिया है। इस घटना ने हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान को बहुत ही गहरा जख्म दे दिया है जिसे भरने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या पर सरदार पटेल ने एक खास संगठन पर प्रहार करते हुए कहा कि हम लोगों की बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग इस देश में नाथूराम गोडसे के भी समर्थक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसे बहादुरी का नाम दे रहे हैं, पर क्या यह सही है? सरदार पटेल ने कहा कि मैं कहता हूं कि गोडसे और उसका समर्थन करने वाले लोग आने वाले समय में देश में अपने पागलपन से भरे विचार का भी प्रचार प्रसार करेंगे और हमें उससे निपटना ही होगा। धन्यवाद।